नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। बरेली की शाही थाना क्षेत्र में सातवीं क्लास के छात्रा की अपहरण के बाद निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। छात्रा का शव खेत में अर्धनग अवस्था में मिला, जिससे परिजन रेप की आशंका जता रहे हैं। हरदोई के पिहानी इलाके में लकड़ी भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर बिजली पोल से टकरा गया, जिससे पोल गिर गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। मतौगी थाना कौसीकला इलाके में पुलिस चौकी से महज 30 मीटर की दूरी पर हुई लाखों की चोरी। चोरी घटना हुई सीसीटीवी में कैद। कैद की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। श्रावस्ती में बीते 24 घंटे में हो रही मानसूनी बारिश राहगीरों के लिए आफत बन गई है। जिले के जुमनाहा ब्लॉक के ककदरी से पड़ोसी जनपद बहराइच की सीमा को जोड़ने वाली सड़क का हाल बेहाल है। कुछ स्थानों पर सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। देखने से पता ही नहीं लगता कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क। नतीजतन बारिश से सड़क तालाब जैसी दिख रही है। वाहनों से सफर करना मुसीबत का सबब बन गया है। समस्या तब जटिल हो जाती है जब बड़े वाहन इन गड्ढों में फंस जाते हैं और जरा सी चूक पर बच्चे भी इन गड्ढों में गिरकर जख्मी हो जाते हैं। बाराबंकी पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए 32 गाड़ियां बरामद की, जिनकी कीमत लगभग 14 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने फर्जीवाड़ा कर गाड़ियों को बेचने वाले एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो ट्रेवल एजेंसी चलाता था और फर्जीवाड़े में लिप्त था। ये व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों पर लोगों को गाड़ियां बेच देता था। बाराबंकी के रहने वाले एक व्यक्ति के शिकायत पर पुलिस ने मामले की जाँच की, जालसाजी कर गाड़ी बेचने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। बदायूं के कोतवाली उझानी क्षेत्र के सकरी जंगल गांव में मिर्च के मूल भाव को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों में लाठी डंडे चले, ईंट पत्थर चलने का वीडियो वायरल हुआ है। शनिवार को उझानी क्षेत्र के गांव सकरी जंगल में ठेले पर किराना का सामान बेचने वाले का मिर्च कम देने को लेकर कहासुनी के बाद मारपिटाई और पथराव हो गया। संघर्ष में 3 लोग घायल हो गए। मामले की दोनों पक्षों की ओर से कोतवाली में तहरीर दी गई है। जालौर में बिजली और पानी न मिलने की वजह से लोगों का सब्र टूटता हुआ नजर आ रहा है। महिलाओं और पुरुषों ने राठ रोड पर जाम लगाया। जाम लगाने के बाद प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। समस्या का समाधान करवाने के लिए जाम लगाया गया। जाम लगाने वालों ने कहा, जब तक अधिकारी समस्या का हल नहीं करते तब तक हम यहीं पर खड़े रहेंगे। मुजफ्फरनगर विवादों से घिरे जिला पंचायत सदस्य को संत समाज का पूर्ण समर्थन मिला है। एक ओर जहां जनपद के हिंदू संगठन जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ लगातार पुलिस और प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं जिला पंचायत सदस्य को संत लोगों का पूर्ण रूप से समर्थन मिला है। जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर जहां अध्यक्ष पद के लिए एक और बीजेपी तो दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन ने पूरे जोर लगा रखे हैं। भाजयुमो नेता विवेक निगम पर पॉक्सो और रेप केस दर्ज हुआ है। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर वारदात को अंजाम दिया गया। भाजपा नेता ने दुष्कर्म कर नाबालिग का वीडियो भी बनाया। भाजपा नेता सोशल मीडिया में वीडियो वायरल करने की भी लगातार धमकी दे रहा था। आरोपी भाजपा नेता फरार है। किदवई नगर थाना क्षेत्र में भाजपा नेता के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। सुल्तानपुर में बारिश ने रेलवे अधिकारियों के दावों की पोल खोल दी है। हाल ही में ये तस्वीर सामने आई जहां पर कॉलोनी के दर्जनों घरों में बारिश का गंदा पानी भर गया है। सालों से कॉलोनी के नाले और सीवर की सफाई न होने से यह हाल हुआ है। अधिकारियों की उदासीनता से नाराज जिले कर्मचारियों ने आज खुद ही साफ सफाई करवाई, तब जाकर घरों से गंदा पानी निकाला जा सका। रामपुर में धर्म परिवर्तन कर जबरन मुसलमान बनने का मामला सामने आया। हिंदू जागरण मंच की टीम ने आरोपियों के खिलाफ कोतवाली शाहदाबाद में मुकदमा दर्ज कराया है। महिलाओं उनके बच्चों को बरामद किया। ललितपुर जिले में 2 दिन पहले एक ठेकेदार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। परिजनों को उसके मोबाइल में एक वीडियो मिला है, जिसे आत्महत्या करने से पहले बनाया गया। वीडियो में ठेकेदार अपनी आपबीती को बयां कर रहा है। उसने आरोप लगाया कि दो लोगों ने ठेका देकर उससे मकान का निर्माण करा लिया, लेकिन जो पैसे मांगे तो दबंगों ने अपने साथी के साथ मिलकर उसके साथ मार पिटाई की, जान से मारने की धमकी दी। इससे आहत होकर ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली। ठेकेदार के भाई ने कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को प्रार्थना पत्र लिखा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।